हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपिका माय फ्रेंड्स में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सिल्क की साड़ी, मोटे लोग किस तरीके से पहने जो वो अपने आपको स्लिम ट्रिम दिखा सके और अपने को स्मार्ट दिखा सके। तो आज मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ कि आप साड़ी को किस तरीके से कैरी करो कि आप स्मार्ट लगो और आपका लुक भी अच्छा सा आए। जैसे कि अभी सब त्यौहार वगैरह आ रहे हैं, त्यौहारों पर साड़ी पहनने का बहुत मन करता है, लेकिन मोटे लोग बहुत ज़्यादा साड़ी नहीं कैरी कर पाते हैं। तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रही हूँ, आपने ऐसे साड़ी कैरी करनी है। पेटीकोट पहनने के बाद आप उसको चारों तरफ से कवर कर लीजिएगा साड़ी से, और फिर उसके बाद आप साड़ी का पल्लू लीजिएगा इस तरीके से, और उसकी छोटी छोटी सी प्लेट्स बना लीजिएगा। जो लोग मोटे होते हैं तो वो पल्लू की जो प्लेट्स बनाते हैं, कम से कम उनको एक बालिश्ते की प्लेट्स बनानी चाहिए, उससे छोटी मत बनाइएगा। कम से कम आपका एक बालिश्ता का एक प्लेट होनी चाहिए। इस तरीके से आप प्लेट्स को बना के और आप उसका पल्लू बनाइएगा। पल्लू आपका घुटने तक छोटा हुआ होना चाहिए, इतना नीचा होना चाहिए। पीछे से आप देख लीजिएगा कि आपका घुटना छू रहा हो पल्लू, और उसके बाद आप वहाँ पर पिनअप कर दीजिएगा, ब्लाउज सेट से टक कर दीजिएगा। फिर आप उसको आगे से सेट करिएगा इस तरीके से। करने के बाद सारी प्लेट्स बराबर आनी चाहिए, फिर आप इस तरीके से निकाल लीजिएगा। और मैं आपको बहुत सिंपल सा तरीका बता रही हूँ, और फिर आप साइड से इस तरीके से लेके आइएगा। फिर अब अपना पेट पतला दिखाने के लिए आपने इस तरीके से आगे पिन लगाना है, और साइड से आपको डिजाइन बनाना है इस तरीके का, ठीक है ना। इस तरीके से फिर आप प्लेट्स बनाओगे। आपकी प्लेट्स मैंने आपको बताया कि कम से कम एक बालिश्ते की होनी चाहिए, यानी कि एक फुट की, यानी एक बालिश्ता होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग मोटे होते हैं उनको छोटी छोटी प्लेट्स बना के वो एक जगह इकट्ठी कर लेते हैं, तो और भी ज़्यादा फैटी फैटी लगते हैं। इसलिए आपकी प्लेट्स कम से कम एक बालिश्ते की होनी चाहिए, और सब बराबर प्लेट्स लीजिएगा। फिर उनको आप नाभि के साइड से बांधिएगा, बीच में मत टक करिएगा, क्योंकि बीच में जिनका पेट निकला हुआ होता है वो और भी ज़्यादा मोटे लगते हैं जैसे। फिर आपने इसको साइड से टक करना है, और अपनी साड़ी की लेंथ के अनुसार पहन लीजिएगा उसे, और फिर आप आगे से भी उसे इस तरीके से सेट करिएगा। सारी प्लेट्स बराबर आनी चाहिए, हाथ से भी आप कर सकते हो रब, और फिर आप चाहो तो पिन भी आगे लगा सकते हो। और आप पल्ला खोल के साड़ी पहनोगे तो ज़्यादा पतले लगोगे, तो इसलिए हमेशा साड़ी का पल्ला खोल के ही पहनिएगा। जो आपने साड़ी का पल्ला पिनअप करा हुआ है उसे खोल दीजिएगा, और फिर आप इस तरीके से उसको कैरी करिएगा, तो आपका जो लुक है वो स्लिम आएगा, यानी कि आप पतले लगोगे। स्लिम तो नहीं लगोगे क्योंकि मोटे हो तो पतले, लेकिन पतला लुक आएगा आपका, और आप बहुत प्यारे से लगोगे इस तरीके से। आप कभी भी बंधा हुआ पल्ला मत लीजिएगा, क्योंकि साइड से आपका पेट ज़्यादा निकला हुआ दिखेगा, इसलिए जब भी आप लीजिए तो खुला हुआ ही पल्ला लीजिएगा। खुले हुए पल्ले में आप पतले लगते हो, और चाहो तो आप जूड़ा भी बना सकते हो, इस तरीके से भी पल्ला ले सकते हो, और बाल खुले भी रख सकते हो। जूड़ा बनाते हो तो आपकी हाइट और अच्छी लगती है, और आपका फेस भी लंबा लगता है। अगर आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बाय बाय।